के साथ कर रहे हैं। इस वक्त जो रायपुर से मिल रही ऋचा जोगी जाति प्रकरण का ये पूरा मामला है। ऋचा ने छानबीन समिति को जवाब भेजा है। दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी गई है। कहा गया है कि कार्यालय बंद होने की वजह से नहीं मिल पाए हैं दस्तावेज। उनके दस्तावेज बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 7 दिनों का वक्त मांगा है यहाँ पर ऋचा जोगी ने। इस वक्त की बड़ी खबर तो बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज होने का दावा यहां पर ऋचा जोगी के द्वारा किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। वैभव, 7 दिन का जवाब, 7 दिन का वक्त मांगा है ऋचा जोगी ने और कहा है कि बिलासपुर रजिस्ट्रार ऑफिस में उनके दस्तावेज मौजूद हैं। देखिए, जब से ये प्रकरण सामने आया है तब से जोगी परिवार मुसीबत में तो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि उनका जाति का जो प्रकरण है वो सालों से चल रहा है। 40 साल पुराना। बिल्कुल, चाहे वो अजीत जोगी का मसला हो या अमित जोगी का हो, अब जिस तरीके से ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बना है मुंगेली के जरहा गांव से, जो कि उप तहसील कार्यालय है, और एकाएक उनका ये प्रकरण सामने आया है तो दिक्कत तो है। जवाब किस रूप में दिया जाए, किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए, ये जोगी परिवार को भी समझ में नहीं आ रहा है और यही वजह है कि उनको राजभवन तक भी जाना पड़ा है। अब चूंकि उनको छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर जवाब देना था, तब दिक्कत ये है कि वो जाकर जवाब दे तो दे क्या। लिहाजा उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने बिंदुवार तरीके से ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्ड इस वक्त उनके पास नहीं है बल्कि बिलासपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में है। बहुत कॉन्ट्रडिक्ट ये जवाब नहीं लगता है वैभव की? वो कह रही है कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद है लेकिन इस वक्त उनके पास नहीं है, वो तमाम दस्तावेज बिलासपुर रजिस्ट्रार कार्यालय में। इसको कैसे मान लिया जाए कि दस्तावेज तो भाई आपके हैं, कुछ अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो फोटोकॉपी तो एटलीस्ट आपके पास होनी ही चाहिए। 7 दिन का समय मांगकर आप कहीं ना कहीं इस मामले को भी थोड़ा बहुत ठंडा करने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, कोशिश ये है कि ये किसी तरीके से जो नामांकन की जो प्रक्रिया का वक्त है जो कि 16 अक्टूबर आखिरी है मरवाही के लिए, वो समय अगर गुजर जाता है तो कम से कम उनको एक तरीके से राहत मिल सकती है, क्योंकि नॉमिनेशन करने का जो आखिरी तारीख है वो 16 है और उसमें अगर जोगी परिवार, आज 12 अक्टूबर वैसे ही है वैभव, आज 12 अक्टूबर वैसे ही है, 16 तारीख आखिरी, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे ऋचा जोगी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।